भोपाल से दिल्ली के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जानी है और इसको लेकर के पहले दो ट्रायल हो चुके हैं। आज आगरा कैंट और निजामुद्दीन के बीच में ट्रायल किया जा रहा है, ये तीसरा ट्रायल रन है। इसको लेकर के यहाँ से ट्रेन आगरा कैंट स्टेशन से अब चल दी है। ये ट्रेन सीधी जाकर के निजामुद्दीन स्टेशन पर रुकेगी और यहाँ से आगरा कैंट से निजामुद्दीन का सफ़र है ये 1 घंटे 45 मिनट में इस ट्रेन को पूरा करना है। दिल्ली से चलने के बाद ये आगरा रुकेगी और आगरा के बाद फिर झांसी या ग्वालियर और कौन से स्टेशन रहेंगे भोपाल के बीच में, वहां पर ये रुकेगी। ये ट्रेन की रफ्तार जो है ट्रायल रन में 160 किलोमीटर प्रति घंटा रहनी है और इस दौरान इस ट्रेन के ऑपरेशन में टेक्निकली अगर कोई दिक्कत आती है या इलेक्ट्रॉनिक या अन्य तमाम जो सुविधाएं हैं इस ट्रेन के अंदर उनमें कोई दिक्कत आती है, इसी को देखने के लिए इसमें तमाम कर्मचारी और अधिकारी मौजूद हैं। वो आज आगरा कैंट से निजामुद्दीन के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल रन किया गया है। ये ट्रेन आगरा कैंट से निजामुद्दीन और फिर निजामुद्दीन से आगरा आई है और बहुत सक्सेसफुल ट्रायल रहा है। और क्योंकि आगरा से दिल्ली का ये हाई स्पीड रूट है इसलिए इस रूट पे ट्रायल करके ट्रेन की फिजिबिलिटी चेक करी गई। अभी हमारे पास ट्रेन के चलने की आधिकारिक सूचना नहीं है, पर जैसे देश में सब जगहों पे वंदे भारत चलाई जा रही है तो हो सकता है कि नियर फ्यूचर में आगरा के लिए भी वंदे भारत आए, इसीलिए हम ट्रायल करके रूट वेरीफाई कर रहे हैं। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन चलेगी और इस ट्रेन के ट्रायल रन के दौरान क्या क्या दिक्कतें आई हुई पटरियों से लेकर के इसके ट्रेन के संचालन में एसी से लेकर के अन्य तमाम जो सेक्शन हैं उन सभी के अधिकारी भी और कर्मचारी इसमें बैठे हैं और यही देखेंगे कि 160 किलोमीटर के प्रति घंटे की रफ्तार पर चलाने के दौरान क्या ट्रेन के अंदर एसी या अन्य तमाम जो दिक्कत हैं कोई आ रही हैं तो उनका कैसे समाधान किया जाएगा, क्योंकि जब ये ट्रेन चलाई जाएगी तो ये सीधी दिल्ली से भोपाल के बीच में चलेगी। उस दौरान इस ट्रेन के ऑपरेशन में अगर कोई दिक्कत आती है तो बड़ी बात होगी। इन्हीं कमियों को देखने के लिए इस ट्रायल रन को किया जा रहा है और ट्रायल में हम क्योंकि वंदे भारत फास्टेस्ट ट्रेन है 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है तो हम चेक करते हैं कि इस कोच के लिए ये ट्रैक सूटेबल है कि नहीं, एकदम सेफली इसको चला पा रहे हैं या नहीं, कोई सिग्नलिंग या ट्रैक में अगर इशू है तो उसको रिजॉल्व कर सकते हैं ताकि जब पैसेंजर्स को लेके सफर किया जाए तो एकदम सुरक्षा और संरक्षा उनकी सुनिश्चित कर सके। ट्रायल सक्सेसफुल रहा है और आगे ये जो ट्रैक है आगरा से दिल्ली का ये वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेन चलाने के लिए सूटेबल पाया गया। या जब ये 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलेगी तो पटरियां कहीं उखड़ेंगी या चटकेंगी, अन्य तमाम जो टेक्निकल चीजें हैं इन सबको देखा जाएगा इस ट्रायल रन में, फिर इस ट्रेन का संचालन किया जाएगा। लेकिन आगरा के लिए सबसे बड़ी बात है कि आगरा पर्यटन नगरी है और ऐसे में जब ये वंदे भारत चलेगी तो आगरा आने वाले पर्यटकों का सफर जो है सुरक्षित और सुगम होगा। श्यामवीर सिंह, ईटीवी भारत, आगरा।